अगर एकदम घर पर जब आप बीपी मशीन से बीपी चेक करो और हाई आ जाए, ऐसी रेंज में आ जाए, आपको लगे बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया या शुगर बहुत ज़्यादा हाई आ गई, यानी कि बीपी आपका लगभग 200-180 या 220 आ गया, या शुगर आपकी 250-300, 350-400 आ गई, तो ऐसे में घर के अंदर उपाय हैं, हमें क्या करना है वो बताने लगा हूँ। तो ये मेरे पास है नीम के पत्ते, और मेरे पास है ये नीम को क्रश किया हुआ, और ये मेरे पास है करेला। तो ये नीम और करेला, ये दो ऐसे तत्व होंगे, ये करेला और नीम, ये दोनों का करना क्या है वो आपको दिखा रहा हूँ कि अगर बीपी हाई हो गया, शुगर हाई हो गई, और इमीडिएटली अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ के आ गया, क्रिएटिनिन भी अगर आपका 8, 10, 12, 14 आ रहा है, आपको किडनी फेल की प्रॉब्लम है, तो ये मेरे साथ हिम्स हॉस्पिटल में पेशेंट भी हैं, क्लाइंट भी हैं, दर्शक भी हैं, आपको सिखा रहा हूँ घर पे करना क्या है। तो जैसे ही आपको बढ़ के आ जाए, आपने करना क्या है, ये करेला और नीम ये हम ऐसे इसमें डाल देंगे एक बर्तन में, और इसको मिक्स करेंगे, और इसमें आप इसकी ये डालिए, ये करेला और नीम को हमने पहले चटनी करके रखा हुआ है। आप आइए एक बार इधर, और ये देखिए आप, ये नीम और करेला के ऊपर ये ऐसे आपने नंगे पाँव से इसके ऊपर इसको मथना है। देखिए ये नीम और करेला, ये नीम और करेला इसके बीच में मिक्स कर दिया, इसकी हमने चटनी भी बना दी, और साबुत करेला साबुत नीम डाल दिया। तो इस तरह आपने घर पर जैसे ही बीपी हाई हुआ, शुगर हाई हुई, या आपका क्रिएटिनिन बढ़ के आया, तो इमीडिएटली 7 दिन के अंदर आपकी दवाई भी छूट सकती है और एकदम लेवल भी डाउन आएगा। ये इस तरह करते रहेंगे, तब तक मैं आपको घर पे ही करने की डाइट बता रहा हूँ। तब तक आपको करना क्या है, बीपी हाई है, शुगर है, या क्रिएटिनिन हाई है, तो आपने 12 बजे तक, ये आपका नाश्ता है, 12 बजे तक आपने 5 तरह के फ्रूट्स, कोई भी 5 तरह के फ्रूट्स लेकर इसका आपको नाश्ता करना है। सबसे पहले मेरे साथ पेशेंट भी हैं, आपको वो भी मिलवा देता हूँ। आप कहाँ से आप आए हो और क्या समस्या थी आपको, एक बार खड़े हो जाओ बताइए। मैं लोकल हूँ, डेरा बसी से ही आई हूँ, और मेरे को ब्रेस्ट कैंसर है। नहीं, आपको यहाँ कितने दिन हो गए? मेरे को 3 दिन हो गए हैं आए हुए। 3 दिन में आपको क्या फायदा हुआ है? मेरे को अच्छा लग रहा है, काफी फील अच्छा, कुछ पहले से विश्वास आया है। हाँ जी, सबसे ये हमारे हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ पे भरोसा हो गया कि इस तरह के देसी उपायों से हम कैसे लोगों को ठीक करते हैं, कैसे क्रिएटिनिन कंट्रोल करते हैं। तो आज तो इंद्र देवता भी मेहरबान हो गए हमारे ऊपर। आप बताइए कहाँ से आप आए हो? हम बंगाल से आए। बंगाल से आए हो, क्या तकलीफ थी आपको? मेरा यूरिन थ्योरिन एकदम आउटपुट। उधर देख के बताओ क्या फायदा हुआ आपको अभी तक? यूरिन आउटपुट शुरू हो गया, यूरिन आउटपुट बढ़ गया, यानी कि किडनी फेल में जो यूरिन नहीं होता वो आपका बढ़ना शुरू हो गया। कितने दिनों आपको हॉस्पिटल में आए हुए? 8 दिन। और लोग बोलते हैं आयुर्वेद स्लो है, नेचुरोपैथी स्लो है, ये सिर्फ 8 दिन में का यूरिन आउटपुट बढ़ गया। इसके अलावा 12 बजे तक मैंने बताया आपको सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं 12 बजे तक। अगर आपको पका हुआ खाना भी खाना है तो इसके बाद में खाना है। इसके अलावा दोपहर को और शाम को खाने में जितना आपका वजन गुणा 5 ग्राम, आपको पहले सैलड खानी है, ये आपको सलाद लेनी है, इसमें आपका चुकंदर है, टमाटर है, मूली है, खीरा है, प्याज कुछ भी ले सकते हो, ये मैंने रॉ सैलड भी रखी हुई है। इससे होता क्या है, बेसिकली जब ये फ्रूट्स खाते हो, सैलड खाते हो, तो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में क्लीनिंग शुरू हो जाती है, इस किडनी में फंक्शनिंग शुरू हो जाती है। और जो मैंने आपको ये करेला और नीम बताया था, ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं। तो अभी इनसे पूछते हैं, जैसे इनके पाँव इसके ऊपर चल रहे हैं तो धीरे धीरे 3 से 5 मिनट में इनकी जीभ पर इसका टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। जैसे आप ऐसे कर रहे हो अपने आप को, तो अभी आपके बॉडी में थोड़ी देर में इसका टेस्ट आ जाएगा, यानी कि करेला और नीम जो पाँव के रस्ते हम इनको मथ रहे हैं, इसका टेस्ट इनके मुंह में आएगा। जब तक टेस्ट आएगा आप बता देना, जब इसका टेस्ट आना शुरू हो जाए, ठीक है। खुशबू कैसी आ रही है? करेले की और नीम की खुशबू आनी शुरू हो गई। सुना है बचपन से नीम क्या है, एंटीबायोटिक है, एंटीवायरल है, एंटी फंगल है, स्किन की बीमारियों को ठीक करता है, खून को साफ करता है। बचपन में हमने चेहरे के मुहासों के लिए नीम के पत्ते चबाए होंगे, कड़ी पत्ता चबाया होगा। इसके अलावा एक पेशेंट और है मेरे साथ, आप इधर आइए। कोई बात नहीं, छोड़ दो। आप बताइए क्या प्रॉब्लम थी? मेरे को किडनी की प्रॉब्लम। कहाँ से आप आए हो? एमपी से। क्या फायदा हुआ? मेरा डायलिसिस हफ्ते में 2 बार होते थे। अभी कितने दिन में हुआ है? 10 दिन में एक बार। अभी 10 दिन हो गए, एक बार हुआ है। हाँ। यानी कि आपको इस हॉस्पिटल में हिम्स में आने का फायदा हो रहा है। फायदा, ठीक है। तो आप दर्शकों को क्या बोलना चाहोगे, लोगों को आयुर्वेद के बारे में? करवाना चाहिए, आयुर्वेदिक अच्छा है, फायदा मिलता है। क्योंकि डायलिसिस बोले तो ट्रांसप्लांट ही बताते हैं, और कोई उपाय बताते हैं? यही बताते हैं। ठीक है, एक और पेशेंट है मेरे साथ, ये बांग्लादेश से आई है, इनका बेटा भी इनके साथ है, ये बांग्लादेश से हमारे साथ है।
आप इनके बारे में आप बताइए, क्या फायदा हुआ है, कितने दिन हुए हैं, पकड़ लो इसको, कोई बात नहीं। ऐसे तो हम लोग आए हैं बांग्लादेश से, हमारा 22 डेज हो गया, आज हमारा छुट्टी भी है। तो पहले मम्मी का डायलिसिस वीकली 3 डायलिसिस चलते हैं, इधर आने के बाद हम लोगों का 22 डेज में 2 डायलिसिस ओनली, मतलब 22 दिन में 2 हुए, जो कि एक वीक में 3 चलते थे। तो आप क्या कहना चाहोगे पूरे बांग्लादेश को, पूरे भारत को, पूरे श्रीलंका को? ऐसे में तो बांग्लादेश से मैंने यूट्यूब से आपका वीडियो देखा, बहुत इंडिया, मेरे इंडियन फ्रेंड भी है, सबसे बात किया, मेरे को मना किया, बोले जाड़ी पुटी के चक्कर में मत पड़, मम्मी का हालत और भी खराब हो जाएगा। फिर मेरा विश्वास था आपका बात सुनकर, बीआर रॉय चौधरी का बात सुनकर मैंने आ गया, फिर मम्मी का बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत। ये इनकी मम्मी हैं, इनके साथ हैं, तो आपके सामने खुद को इनको तो हिंदी नहीं आती, तो बंगला में बोले, आप बंगला में बोल दो कैसा लग रहा है, बोलो भालो, बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, थैंक यू। बांग्लादेश आप अपने बांग्लादेशी बंगला भाषा में बोल दो। ऐसे तो मेरा ये बंगाल बोलो না আমার আমার তো এটা ইচ্ছে হচ্ছে যে এই হসপিটালটা বাংলাদেশে হলে বাংলাদেশের মানুষের অনেক উপকার হবে, কেননা বাংলাদেশে এরকম কোনো ভালো চিকিৎসা নেই, বাংলাদেশে শুধু ডায়ালাইসিস ট্রান্সপ্লান্ট এটাই আছে, এর থেকে ভালো কোনো নেই। মেচারও ইয়ে হিমস বাংলাদেশ মেবি যায়। ইয়ে মেরে হাত মে আয়ুর্বেদা কে রিসার্চ পেপার হ্যাঁ, ইয়ে মেরে হাত মে কিডনি কো লেকে রিসার্চ পেপারস হ্যাঁ। আগর কিসি কো বুখার চড়ে, আগর আপকে ঘর মে কিসি কো ভাইরাল ফিভার হো যায়, तो भी आप ये नीम और करेले का उपाय कर सकते हो। बस साथ में आपको इसमें हल्दी को भी चॉप करके थोड़ा थोड़ा टुकड़े करके वो इसमें और ऐड करनी है। तो अभी तक आपको कैसा लग रहा है, हल्का फुल्का कुछ खुशबू या टेस्ट आना शुरू हुआ है? जी सर। कैसा टेस्ट लग रहा है आपको? करेले का टेस्ट आ रहा है, जीभ में आने लग गया। जी सर। तो अब मुझे आप बताओ कि इसका मतलब आपने करेला खाया तो है नहीं, तो आपके मन में स्वाद कैसे आ गया इसका? यानी कि पैरों में रिसेप्टर्स हैं, इसीलिए आप सबको बोला जाता है कि नंगे पांव रोज जब आप घास पर मिट्टी पर घूमते हो तो बॉडी एनर्जी लेती है। ये चमत्कार आपके सामने है कि अगर आप करेले के ऊपर ऐसे ऐसे करने से जीभ पर करेले का टेस्ट आ रहा है, इसका मतलब पैरों में रिसेप्टर्स हैं, पैरों में वो ग्रंथियां हैं जो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, खींच लेती हैं। तो और जब तक ये 2 मिनट करते हैं तब तक मैं आपको और बता देता हूँ, इसके अलावा जब भी आप खाना खाते हो, शुगर का पेशेंट या बीपी का पेशेंट या किडनी का पेशेंट, कोई भी पेशेंट है, अगर खाना खाने के बाद आप थोड़ी सी हरी सौंफ और एक गुड़ का टुकड़ा छोटा सा चबाना शुरू करोगे, सौंफ का नियम क्या है कि कम से कम 5 मिनट चबाना है, सौंफ को अच्छी तरह चबाना है, तो आपको गैस भी नहीं बनेगी, तेजाब भी नहीं बनेगा, एसिड भी नहीं बनेगा। और ये जो मैंने आपको बताया था फ्रूट की प्लेट, इसको कितना खाना है, अगर 12 बजे तक ये फ्रूट की प्लेट कितनी खानी है, जितना आपका वजन है, यानी कि अगर आप 60 किलो के हो तो लगभग 600 ग्राम, 70 किलो के तो 700 ग्राम कटने के बाद ये आपकी दवाई बन जाएगी। हम कहते हैं फूड इज योर मेडिसिन। ये फ्रूट्स हमने आपको दिखाया कि यही फ्रूट्स काट के आप खा सकते हो, शर्त क्या है, फ्रूट सीजन के होने चाहिए। और जो हमने आपको बोला सलाद खाने के लिए, इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, वजन गुणा 5 ग्राम। जैसे आपका वजन है अगर 60 किलो तो आपको 300 ग्राम सलाद खानी है लंच से पहले और डिनर से पहले। और परहेज क्या है कि आपको जो डिनर है वो शाम को 7 बजे से पहले कर लेना है। और सबसे जरूरी बात, आज की डेट में जो हमारा हॉस्पिटल चंडीगढ़ में हिम्स है, इसमें सबसे जो पेशेंट होते हैं वो किडनी के हैं। एक बार इनको पीछे का नज़ारा भी दिखा दो, ऐसा हॉस्पिटल इंडिया में कहाँ मिलता है जहाँ बड़ा सा लॉन हो, घूमने की जगह हो, नंगे पाँव घास पे घुमाते जाएं और लोग ठीक हो जाएं। तो ये जो किडनी है इसके अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं ये नेफ्रॉन्स वीक पड़ जाते हैं। तो जो हमने उपाय बताया, क्रिटिनाइन क्यों बढ़ता है, क्रिटिनाइन इसलिए बढ़ता है कि आपकी किडनी का फिल्ट्रेशन वीक हो गया, आपकी किडनी पूरा फिल्टर नहीं कर पा रही, इसीलिए बीपी हाई करती है, इसीलिए शुगर हाई करती है। तो अब इनसे भी पूछ लेते हैं, जो दूसरे सज्जन है हमारे, आप कौन से शहर से आए हो? आसाम से। तो अभी आपके मन में कोई जीभ पर कुछ हल्का फुल्का स्वाद आना शुरू हो गया? थोड़ा सा आया। थोड़ा सा, कितनी देर हुए करते हुए? 5 मिनट हुए हैं। कहाँ से 15 मिनट हुए हैं? मैक्सिमम 8-9 मिनट हुए होंगे। कितने हुए हैं? 8 मिनट में हल्का हल्का आने लग गया। सोचो, लोग बोलते हैं एलोपैथी फास्ट है, आयुर्वेद स्लो है। आपके सामने आयुर्वेद का चमत्कार है ये। अगर आज के बाद आप जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, टीवी पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अगर आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, अगर आपकी शुगर हाई है और क्रिटिनिन बढ़ा हुआ है, तो करेला और नीम और आप चाहो तो इसमें हल्दी भी डाल सकते हो। और इसको ऐसे ऐसे मथना है आपने, और मत के पानी, इस तरह जब इसके पानी डाल के इसको करोगे, चटनी बनाओगे इसकी, तो मुंह पे टेस्ट आ जाएगा। आपके मन में कैसा स्वाद आ रहा है इस टाइम? नीम का भी स्वाद आ गया। पहले करेले का आया, अब नीम का भी आ गया। जब भी स्वाद आ जाए
कम से कम उसके बाद 5 मिनट तक और करना है, और अभी आप इसको हम परात में कर रहे हैं, आप थोड़ा आगे हो जाओ। अगर आप इसको जमीन पे करें, मतलब जमीन में एक छोटा गड्ढा गाड़ लें और उस पर करेंगे करेला और नीम लेकर, तो इससे भी कई गुना फायदा होगा। ये तो हमने आपको पेशेंट्स को, क्लाइंट को समझाने के लिए हमने इस तरह किया, नहीं तो आप जमीन में छोटा सा एक गड्ढा करके कच्ची मिट्टी पे या घास पे वहाँ अगर इसको करोगे तो डबल ट्रिपल फायदा होगा अच्छी तरह से। और अगर आप इसके साथ साथ यही करेला यही नीम हाथ में भी कर लोगे इस तरह तो भी फायदा होगा। तो ये बीपी को कंट्रोल करने का, शुगर को कंट्रोल करने का, क्रिएटिनिन बढ़ावा कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया आयुर्वेदिक फार्मूला है। बस शर्त क्या है, आपको अपनी डाइट ठीक करनी है, और नाश्ते में जब फ्रूट्स खा रहे हो तो उसके बाद आप साथ में अंकुरित चाट को भी ले सकते हो, यानी कि मूंग और मोठ को। देखो ना, जो हम दाल खाते हैं दाल की जगह इसको अंकुरित करके खाओ, तो अंकुरित करके खाओगे तो ये ज़्यादा फायदा होगा। तो मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगा कि जो हमारे पुरुषों ने बताया, नीम, हल्दी, गिलोय, फ्रूट्स, ये सब दवाइयाँ हैं, क्योंकि ये जो आंत है ना, और यहाँ पे जो लीवर के नीचे पेनक्रियाज है, या लीवर के नीचे पेनक्रियाज ग्रंथि है, ये जो इसकी वजह से शुगर बढ़ती है, ये पेनक्रियाज ग्रंथि पे कार्बन जम जाता है। तो जैसे ही आप ये नीम और करेले का उपाय करोगे इसका कार्बन साफ हो जाता है, और हार्ट पे लोड पड़ता है तो आपका बीपी बढ़ता है। तो ये दोनों को ठीक करने के लिए ये सबसे बढ़िया तरीका है। तो हिम्स हॉस्पिटल की तरफ से आप सबसे एक गुजारिश करते हैं कि इस तरह पूरे भारत में आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी के इस चमत्कार को, आयुर्वेद की शक्ति को घर घर तक पहुंचाएं। धन्यवाद।